करी। तो वो जब दर्शन चल रहा था मेरा दूसरा, 5 दिन के बाद मैं आया था, तो कहा कि नाउ योर ट्रांसलेशन हैज कम आउट वेल एंड यू कंटिन्यू ट्रांसलेट। और फिर मुझे कहते हैं कि राइट अ बुक ऑन मी। अच्छा। अब मैं, मेरे पास कुछ कोई आइडिया नहीं था कि उनके बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं आया हूँ सीधा वहाँ से पहली बार, मुझे, मैंने कभी उनके बारे में कुछ पढ़ा था ना, किसी से बात कुछ था नहीं, मैं क्या लिखता। तो कहते हैं यू राइट अ बुक ऑन मी एंड इट्स शुड बी 350 pages एंड यू फाइंड अ पब्लिशर इन अमेरिका। इफ यू डोंट फाइंड अ पब्लिशर देयर वी विल पब्लिश इट हियर। No, 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 no. You will find a publisher in America. Oh, so confident. And it will sell very well. ऐसा उनका कहना था। तो वो जो बुक थी उनके उनके जीवन का, उनका बायोग्राफी लिखा। हाँ, उसका कारण अब मुझे याद आया। फिर जब मैं सैन फ्रांसिस्को में था, डीन था उस वक्त, तो मैं हार्पर एंड रो पब्लिशर थे, उनकी जो एजेंट थी मेरी कैंटलिन, उसको मैं मिलने गया कि भाई मैं इस ओशो पर देखा। उसने कैसे मुझे कनेक्ट किया कि हमको एक बुक चाहिए रजनीश पर। तो मैंने कहा कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ, आप छापेंगे? तो बोले कि अगर आपको बुक ही छपवानी है तो आप उनकी बायोग्राफी उनको चाहिए। ओके। क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, नेचुरली उसको किसी को कुछ पता नहीं था, वो सो न्यू। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें ऐसा नहीं, वी नीड जो योर पूना पीपल टू टेल अस that you are an official biographer, only then we will accept it as a biography. Okay. तो मैंने लक्ष्मी को भेजा मैसेज, लक्ष्मी ने उसे पूछा होगा, तो उन्होंने हाँ कहा। तो मेरे पास वो कुछ लिखित है कि वो ऑफिशियल बायोग्राफी के हिसाब से मैंने फिर बायोग्राफी लिखी। तो उस बायोग्राफी लिखने का कारण यही था कि वो कह रही थी कि लोगों को कुछ पता नहीं उनके बारे में और इस बुक से उनको पता चलेगा। ऐसे बात चली थी। तो वो कहाँ था मैं, आपको बोला गया कि 350 पेज का होगा। हाँ, तो फिर बोले कि वो, तो हाँ, तो वो जो पहला जो एडिशन था उसका टाइटल था अवेकन्ड वन, लाइफ एंड वर्क ऑफ भगवान श्री रजनीश। तो उसमें तो ओशो के जन्म से लेकर के, तो ओशो 1981 में जब अमेरिका आए, उनको बैक का प्रॉब्लम था, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आए थे, वहाँ तक की कहानी थी। ओके। है ना। अब उसके बाद 1981 के बाद तो कितना घटा, बहुत सारा हुआ, क्योंकि अमेरिका में जेल्स में जो सताया गया उनको, तो वो फिर कहानी मैंने कैप्चर की 81 से उनके शरीर छोड़ने तक, और पहला भाग और दूसरा से मिला करके दूसरा वॉल्यूम बनाया, द लुमिनस रेबल, उसका टाइटल दिया। उसका हिंदी भी हुआ, उसका हिंदी भी हुआ, गुजराती भी हुआ उसका, उसका शायद चाइनीज और जापानीज भाषा में भी हुआ, इसमें से मुझे पता है। एनीवे, तो इस प्रकार की एक मतलब एक अहोभाग्य था, सौभाग्य था जो उन्होंने मुझे कहा कि दो बुक में पूरा उसका लाइफ आपने ही पूरा, बहुत अच्छा अर्पण हुआ वो। और बहुत जिन्होंने भी पढ़ा उनको बहुत ही, उनको लगा कि हम पहली बार उनको पता चला कि कितने कितने सिचुएशन में से पूरा ये आपका जो सारा क्या कहक है, मूवमेंट कहें, कैसे गुजरा है। ये दोनों बुक लिखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे आप? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैंने उनसे कहा कि एक दर्शन में मैंने कहा कि भगवान, आई हैव टू राइट अ बुक ऑन यू, सो आई वुड लाइक टू गो टू गाडरवारा एंड दो। तो मुझे कहते हैं नो नीड टू गो देयर, देयर इज नथिंग देयर, एवरीथिंग इज हियर। लेकिन मेरा यह सौभाग्य था कि दद्दा, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके चाचा जी और उनके बचपन के फ्रेंड जो सुखरा भारती थे दूसरे, उन सबसे मेरा इंटरव्यू लिया मैंने, उनसे बातचीत हुई पर्सनली। वो बहुत अनुभव, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी जो मुझे याद आ रहा है कि ओशो ने यह कहा है कि आज से 700 साल पहले तिब्बत में उनका कम्यून होता था, ऐसा संघ होता था उनका, और वहाँ पर
ध्यान वगैरह जो होता हो, पर उन उस जमाने में उनके बहुत विरोधी थे, इवन उस जमाने में। तो वो कहते हैं कि उसका एक नतीजा ये हुआ कि एक बार उनके विरोधियों ने मिल करके और इनकी हत्या की, और उस वक्त ओशो 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, 18 दिन हो गए थे और 18वें दिन पर उनकी हत्या हुई। तो जब इस जन्म में आए तो 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया, और ये बात कंफर्म हुई उनकी माता जी से, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, माता जी ने बताया मुझको ये। अच्छा। कि उनकी इनकी जो नानी थी तो माता जी को बहुत चिंता हुई, नेचुरल वो दूध ही नहीं पी रहा, तो नानी ने कहा कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तो उसके फिक्र मत कर, सब ठीक रहे और हेल्दी रहे, 3 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया, उसके बाद दूध पिया, तो 21 दिन का जो अनुष्ठान था पूरा यहाँ पर आकर किया। अच्छा। और मुझे पता नहीं था, ओशो ने इस बात को कहा है कि उस वक्त जब शरीर छोड़ रहे होंगे तब उन्होंने अपने सारे संघ को इकट्ठा करके कहा कि मेरा काम अधूरा रह गया है, मैं एक बार फिर आऊँगा और तुम सबको इकट्ठा करूँगा। तो इस जीवन में उन सबको इकट्ठा किया। अच्छा। हाँ, सब बोले वो। ये संवाद में आपने माता जी से जाना है। जैसे तो ये जो अच्छा उनके पिताजी के साथ इतने ह्यूमरस थे वो, माता जी में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त था, उनके पिताजी में भी, दद्दा हम कहते दद्दा जी को, तो मतलब जब हम कॉन्वर्सेशन होता था तो छोटी छोटी बात, अब मुझे एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं है, बट ही वॉज एनीथिंग यू से ही विल मेक समथिंग सम ह्यूमर आउट ऑफ इट, उनका कुछ ह्यूमर तब पता चलता है कि ओशो का कितना हर बात में ह्यूमर आकर के साथ साथ हुए। तो एक तो ये बात होगा, और उनके मित्रों से, उनके चाचा जी थे उन्होंने भी संन्यास लिया, फिर उनके माता जी ने पिताजी दोनों ने संन्यास लिया। जीवन हमारे इतिहास में एक ही उदाहरण है कि जीसस की माँ ने जीसस से इनिशिएशन लिया था, मैरी ने, लेकिन पिता ने जोसेफ ने नहीं लिया था। लेकिन यहाँ दोनों ने ओशो को अपना गुरु माना है और ओशो से इनिशिएशन लिया है। अच्छा। हाँ, माता जी ने, पिताजी और चाचा जी ने उनसे उनसे इनिशिएशन लिया। तो ये उनके परिवार के सबसे लोगों से बहुत बहुत प्यास मिला। हाँ, रजनीशपुरम में माता जी के लिए अलग से वो था, जगह बना रखी थी रहने के लिए, और जब भी जाओ खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे, नहीं खाना खा के ही जाना है। अच्छा। जाने नहीं देंगे, और कुछ सन्यासी उनका ध्यान रखते थे और उनको संभाल देते, और उनको कभी भी जब अगर ओशो से मिलना तो उनको कोई प्रतिबंध नहीं था, उनको कभी भी जाना तो वो उनको वहाँ ओशो के पास ले आया, और कोई नहीं मिलता था ओशो को सिवाय शीला के या किसी सेक्रेटरी के काम से और कोई मिलना नहीं होता था उनको। लेकिन माता जी का जरूर मिलना, माता जी अपनी बात जो कहना हो बात करती थी। तो आपका ये सौभाग्य रहा कि ओशो के साथ तो आप रहे। हाँ। लेकिन उनके माता जी और पिताजी के साथ भी आपका संवाद हुआ। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सा सौभाग्य है। और कीर्तन होता था, दद्दा जो है ना, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग उनके जहाँ रहते थे कम्यून में, पूना में, वहाँ हर शाम को कीर्तन होता था। अच्छा। हाँ, और बुलाते थे वो गाने के लिए, मुझको गाने के लिए, आप गाते थे? हाँ, तो मैं गाता, तो मैं कहता दद्दा से के लीजिए, अरे जो किसी और को देता हूँ मैं तो छोड़ता नहीं है, और तुम्हें देता हूँ तो क्या मुझे वापस दे रहे हो, तुम गाओ ना उसको, दूसरे देते नहीं वापस। बहुत प्यार से, बहुत ही इन दैट सेंस यू आर अ फैमिली मेंबर। या क्योंकि इतना सा वाल से जो बात कर रहे हैं, माताजी तो गजब, ओशो रजनीशपुरम में उन्होंने जिस जब भी कभी जाओ उनके ट्रेलर में वो खाना खाने में नहीं जाने देंगे आपको, बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से, अद्भुत। तो एक तो ये बात थी, और एक वो जो व्याख्यान वाला में मैं जो गया उससे एक आइडिया आपको आता है कि ओशो के विरोध का किसी और जीवन में तो था ही, फिर वही कंटिन्यू जीवन में भी यहाँ भी हुआ। उन्होंने समाज को हिलाने में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं, सिर्फ अनुष्ठान ही कंटिन्यू नहीं हुआ, विद्रोह भी कंटिन्यू हुआ। राइट, वेरी वेरी गुड, वेरी
बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं। लेकिन जब उनका कई जगह पे विरोध हो रहा था उस वो वक्त ही ऐसा था कि विरोध ज्यादा था और प्रेम कम था उनके प्रति, उसी वक्त पे उनका कैसा व्यवहार रहता था? वो सी डिस्टर्ब? एब्सोल्युटली नो सर, नॉट एट ऑल। अभी देखिए ना, उस मई कौन सा 81 या 80 में वो जो छुरा फेंका गया जहाँ बैठे हुए हैं, आप थे उसी? हाँ, मौजूद था सर, हम बैठे हुए हैं, सुबह उनका प्रवचन चल रहा है और वो जो विलास तुपे, उसका नाम था विलास तुपे, नाम भी मुझे याद है, वो कौन से किसी ग्रुप का था, हिंदू ग्रुप का कोई पता नहीं कौन सा ग्रुप था, तो उसने ऐसा चक्कू फेंका था उनके ऊपर पीछे से। और देखिए हम सब बैठे हुए हैं, ओशो भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये हुआ, ओशो शांत बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। और जो हमारे जो गार्ड थे उन्होंने कुछ नहीं उसको न मारा न पीटा, उसको सिर्फ सीधा उसको उसको लिया बाहर निकाला उसको और पुलिस को सौंप दिया। कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और वो जो का प्रवचन चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा, एब्सोल्युटली नन सर, वो बैठे रहे और हमको एक्चुअली शांत किया, शांत बैठे कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कोई अनुयायी ग्रुप जो झंडा लेके निकल पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी, वरना आज तो ऐसा चल रहा है। कुछ भी नहीं। और मजे की बात है, उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्या जो उनकी चक्रवाती चली होगी, किस तरह से हुआ होगा, बट ही वॉज नॉट पनिश और एनीथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ दैट ही हैज डन। और हमको पहले से ऐसी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे कुछ घटना घटने वाले, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये आइडिया नहीं था हमको। आपने कभी ऐसा चला है कोई विरोध आपके सामने हुआ हो, ऐसा कोई सभा को आप जो बता रहे थे कि आपको भेजा गया था ऑन बिहाफ ऑफ ओशो? हाँ, तो वही मैंने बताया, वो जो व्याख्यान माला नासिक में थी, हाँ, उस नासिक व्याख्यान माला में ये विरोध हुआ था मेरा सबसे ज्यादा। आपकी व्याख्यान? हाँ, हाँ, हाँ। कौन से अवसर पे थी? कौन से अवसर पे थी वो व्याख्यान माला? कौन सा सब्जेक्ट वगैरह था, क्यों हुआ था? सब्जेक्ट तो बस ओशो पर बोलना था, भगवान रजनीश पर, okay. उनके उनके जीवन या उनके दर्शन के बारे में। यही हुआ था क्या नासिक में? नासिक में हुआ था क्या कि वहाँ मराठी में बोलना था, ओके, तो मुझे मराठी में बोलना पड़ा। और आइडिया नहीं था कि क्या वो करना चाह रहे, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमें इतना था कि एक इन्विटेशन आया हुआ है। और जब लक्ष्मी को पता चला तो उनसे पूछा गया, तो भगवान ने कहा कि हाँ वेदांत को भेजो आप। तो वो जो विरोध जो हुआ, उस विरोध के मूल में एक जिस बात का बार बार रिपीट कर रहे थे, कहते कि इन्होंने हमारे हिंदू धर्म को क्या कहें, नुकसान पहुंचाया है, हिंदू धर्म का विरोध किया है, ऐसा ये उनका थ्रस्ट था, उनके उनके रोष का, उनके क्रोध का। आपके व्याख्यान के दरमियान हुआ या बाद में कुछ हुआ? बाद में, बाद में। बोलते पर उसमें कोई कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं कर दिया, वो सब ठीक चला बाद में। अच्छा, और ये तो बदलाव सर, हमारे यहाँ अक्सर ऐसे पत्र आते थे, हम कहते वेदांत को मार देंगे, हम उसकी जान ले लेंगे, ऐसे ईश्वर के पत्र पत्र लोगों, तो विरोध का किसी न किसी रूप में उनको ये दिखाना था रोष कि हम उनको पसंद नहीं है, ऊना को या हमारा ऊना पसंद नहीं था, लेकिन हम तो टिके रहे। और आपके व्याख्यान के दौरान हुआ या बाद में कुछ हुआ? बाद में। बाद में कैसे हुआ भैया? बस वो मैं व्याख्यान करके मैं बैठा और मित्र लोग जो साथ मित्र जो आए थे, जो वो मुझे ऑटोग्राफ वगैरह लेने के लिए आ गए मेरे पास, कुछ पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मैं उनकी बातों में लगा तो गिरा हुआ था मैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या आई नो क्रू और दैट, ओके। ये तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को पता चला कि वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं स्टेज की तरफ, तब उन्होंने मेरे ऐसा घसीट करके मुझे हाथ से ऐसा खींच ही लिया बात छोड़ करके, और मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और खड़े हो गए कमरे के बाहर, और उनसे कहा कि आप उनको छू भी नहीं सकते, हम आपको पास है। 3 घंटे तक मुझे बैठा रखा और उनके साथ झगड़ा उनका चलता रहा। अच्छा, और उनसे कहा उन्होंने कि आपको इनका विरोध करना है, आपको इनकी बात अगेन नहीं होती है, कल आप यहाँ पर आ जाओ, प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, आप आपको बोलना जो बोल सकते हो, कि अभी हम आपको छूने भी नहीं देंगे। ओ
अच्छा, तो ये जो आपके आपके साथ ये हुआ, तो ऐसा भी हो गया कि ओशो का तो विरोध हो रहा था, हाँ। लेकिन उनके लिए जो काम कर रहे थे उनके सामने भी विरोध था, बिल्कुल था। उसके बाद आपका जो लगाव था, आपका जो प्रयत्न था, उसमें कुछ सोच आपकी बदली या आपके कुछ इंट्रोस्पेक्शन किया, आत्ममंथन किया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और नो क्वेश्चन इन योर माइंड? सवाल ही नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके साथ होना है, जो करना है सो करना है, जैसे करना है वैसे करना है, कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं था, नथिंग। और पूरा इस बात का ये था कि वो है ना, वो है मेरे पर छोड़ दीजिए, कोई कभी कभी इशू नहीं कभी। और यहाँ अमेरिका में भी हमारा वहाँ पर कितना, जैसे कि वो रजनीशपुरम में बहुत विरोध होता था झंडेबाजी कर, जब वो शो ड्राइव कर रहे हैं वहाँ झंडे लेकर खड़े हो जाते, अगर आप वीडियो देखना आपको वीडियो हो तो वहाँ भी विरोध होता था, आते थे कर। हमारे यहाँ अंदर रजनीश्वर के अंदर आ जाते थे लोग झगड़ा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो हम तो उनको वहीं से निपटाए थे, जो हम फिक्र नहीं करते थे। लेकिन उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं नहीं भद्रायु सर, हमारे यहाँ कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, हाँ जी, उसे कहते हैं लीला। जैसे कृष्ण की लीला हो गई ना, ऐसे ओशो की लीला हो गई, कोई और छोर आप दिमाग से तो समझ ही नहीं सकते उसको। कृष्ण को कभी आप दिमाग से समझने की कोशिश मत करना, प्रेम करना कृष्ण को, लेकिन समझने की कोशिश मत करना कि वो इससे ऐसी जबरदस्त लीला की उन्होंने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही इनका इनके माइंड से तो कभी आप था पा ही नहीं सकते। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, जो बात चल रही है, जैसे कल ही मैं कह रहा था, ऐसे मेरे अनुभव से कह रहा हूँ आपको या किसी को इम्प्रेस करने के, कि एक ओशो कैसे एक शक्ति शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आए। ही वॉज एन एनर्जी पूल, एनर्जी पावर, एक पावर की तरह है, और उनकी शक्ति का कोई हिसाब नहीं था। अब मैं बात करूंगा तो लोग जो सुनेंगे कहेंगे मैं गप्पा जी कर रहा हूं, तो मुझे बातचीत नहीं करते, लेकिन हमने जो अनुभव सुने हैं लोगों के उनके जीवन के इंटरेक्शन में, तो ऐसे लगता है कि ये तो मिरेकल जैसा होगा। मेरे जीवन में भी कई चीज़ घटनाएं घटी जो मिरेकुलस लगती हैं, हो नहीं सकती थी ऐसे भैया। अगर छोटी सी आपको मैं बात बताऊँ, जरूर, क्योंकि और कोई नहीं संभाल सकता था, वही संभाल सकता था। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हुआ कि मैं BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मेरा टॉप था, तो वहाँ पर गाजीपुर जगह है बनारस के पास, गाजीपुर के कॉलेज में हमारे एक सन्यासी प्रोफेसर हैं उस वक्त थे, तो वो आए सुनने के लिए BHU में मेरा टॉक सुनने। मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप यहाँ तक आए हो तो आप हमारे कॉलेज में आप चलो ना, वहाँ पर टॉक दे दो आप। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि कल मुझे लखनऊ जाना है, क्योंकि लखनऊ एक सेंटर शुरू हो रहा है, वो कहते हैं कि मैं उसको इनॉग्रेट वगैरह करूँ, तो मुझे तो कल की मेरी ट्रेन, बोले मैं आपको पहुँचा दूँगा कल किसी तरह से, लेकिन आज मेरे साथ आप चलो। मैंने कहा ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो मैं चलता हूँ। तो भद्रा सर ने उनके साथ गाजीपुर आया, उन्होंने सर्किट हाउस में मेरी व्यवस्था की थी, तो उन्होंने सहज ही मुझे कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि स्वामी जी ऐसा है कि यहाँ से कोई 20-30 किलोमीटर पर एक जगह है, उसका नाम है भुड़कुड़ा, गांव का नाम है भुड़कुड़ा, मुझे याद है पूरा नाम, वहाँ पर समाधियाँ हैं उन संतों की जिस पर ओशो बोले हैं, जैसे जगजीवन दास, जगजीवन राम, जगजीवन दास, बुला शाह, पलटू, ये जो जीवन संतों पर जिन पर ओशो, उनकी जीवन समाधियाँ हैं। अच्छा, देखना चाहेंगे? मैंने कहा जरूर चाहूँगा। तो बोले अपन ऐसा करते हैं, सुबह अपन जल्दी निकल जाएंगे, 8 बजे अपन वहाँ जाएंगे, और वहाँ करके फिर मैं आपको पहुँचा दूँ। मैंने कहा ठीक, समझ जाओ 8 बजे निकल कर वहाँ गए, और जैसे वहाँ पर गए वैसे वहाँ के जो महंत थे वो तो इतने खुश हो गए, अरे अरे आई आई आई। बोले आपको पता है ये समाधियाँ, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, ये तो आपके गुरु की वजह से आपको पता चला, उनके प्रवचन सुने तो पता चला कि ये कौन है, हमको पता भी नहीं था इस बारे में। और तब गांव के लोगों ने पूरे धर्मशाला बनाई, चंदा दे करके
इसकी चारों ओर, और वो जीवंत समाधियाँ थी। और मुझे कहते हैं वो खड्डा देख रहे हैं, वहाँ मैं बैठूंगा। अच्छा, वो बैठ जाते थे अंदर ध्यान समाधि में, ऊपर स्लैब पत्थर रख दिया जाता था और उनकी टोपी रख दी जाती थी। ये व्यवस्था है। तो वो वहाँ तो मैंने कहा मैं देख सकता हूँ, मैंने नाश्ता वास्ता कुछ करना नहीं, कुछ आप मुझे खाली अंदर बैठे। तो वहाँ जो एक समाधि थी, ऐसा घुस करके अंदर जा करके बैठना पड़ता था, छोटे जैसे गुफा जैसा था। अच्छा, और क्या सन्नाटा था उस जगह का, क्या क्या अनुभव था, मैं क्या बताऊँ। मैं तो बैठे ही रह गया, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ क्या क्या समय हो रहा, क्या इन्होंने तो आवाज़ देकर बुलाई कि बाबा जी बाहर निकलिए, हमको जाना है, हमको बाहर निकलना है। तो मैं वहाँ से बाहर निकला। फिर गुलाल साहब, हाँ गुलाल साहब, गुलाल वाणी आपने सुनी होगी, तो वो छत पर मौन में रहते थे। ऐसा ऊपर से छत थी, ऊपर कमरा था उनका, वो मौन में रहते थे, वो कोई बात नहीं करते, उनका खाना सब ऊपर जाता, वो देखा है कि वहाँ गुलाल साहब साहब का है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ओशो ने एक प्रवचन वाला ने कहा है कि यहाँ पर एक गुलाल साहब जो जमींदार थे, तो उनका नौकर था बुला, उसका नाम था बुला। तो एक बार उन्होंने कहा कि बुला चल मेरे साथ दिल्ली चलो, उनको दरबार में जाना था मिलने के लिए, तो बुला को साथ ले लिया था उन्होंने अपने साथ। तो दिल्ली तो आए, लेकिन बुला तो बुला, वो अपनी मस्ती में था, वो तो वो तो सब भूल भाल कर वापस अपने गाँव लौट आया, हाँ बताया भी नहीं उनको। अच्छा, तो जब गुलाल साहब वापिस आए तो उसको बुलाया, उसको तो उसको बहुत झिड़का कि तू चला आया, तू मेरी जरूरत तुझे जरूरत थी सहायता के लिए बुला ले गया था, तो जा अब जा और वो खेत में जा करके जोत खेत करना शुरू कर, खेती का काम, बैल जोत कर खेती कर। अच्छा करके आधा घंटा हुआ, पौना घंटा घंटा हुआ, तो वो गुलाल साहब किसी पूछ जरा देखो बुला क्या कर रहा है। तो वो गए वहाँ से, वो तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आँख बंद करके मस्ती में रोल रहा है, वो बैल खड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो कहते हैं कि गुलाल साहब नाराज होकर के एकदम सीधे वहाँ आए, और उन्होंने ये ओशो ने खुद ने बात कही हुई है उनके प्रवचन में, उन्होंने उसको बुला को खूब झिड़का और उसका से लात से जैसे धक्का मारा पाँव से। और उस वक्त ओशो कहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग साइमल्टेनियस घटना घटी कि गुलाल साहब और बुला दोनों एनलाइटन हुए साइमल्टेनियसली। ये अजीब घटना घटी उनका उसी दोनों को। तो गुलाल साहब को एकदम से जब पता चला कि क्या किया उन्होंने, क्या हुआ, तो उन्होंने एकदम पगड़ी अपने रखी उनके सामने और बुला से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने क्या कर दिया मैंने। तो उन्होंने कहा अरे पागल, अच्छा किया तूने जो किया, वो मैं भी कहीं अटका हुआ था, तूने मुझे उसमें से बाहर निकाल दिया। ऐसी कहानी ओशो ने बताई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे वो पेड़ देख रहा था जिस पेड़ के नीचे घटना घटी, तो मुझे ले चलो, तो ले गए। और वो पेड़ जो है, अब उन्होंने क्या किया है, उसके चारों ओर प्लिंथ लगा दी है। पहले तो किसी को आइडिया भी नहीं था, ये तो ओशो के प्रवचन माला सुनकर के उनको होश में आया कि क्या जगह थी। तो मैं तो खड़ा ही रह गया, मुझे पता ही चला कितना समय हो गया था, ऐसे प्लिंथ बना के रखे, मैं अपना खड़ा उस पेड़ को देख रहा हूँ। तो उसमें मुझे मैं अपने पॉइंट पर मुझे आना इस तरह से कि अब उसमें 11 बज गए शायद चक्कर में, और मेरी ट्रेन थी वहाँ से बनारस से 2 बजे की ट्रेन। अच्छा। और 11 तो यही बज गए। तो जब वापस लौटने लगे तो वो हमारे स्वामी बोले कि स्वामी आइए कॉलेज, पहले नाश्ता करते हैं फिर अपन कॉलेज में चलेंगे। तो जो प्रिंसिपल साहब जिनके यहाँ नाश्ता करने गए थे, तो अभी तो कुछ तैयारी नहीं था कि वो उनके पति ने सौ का मुझे पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं, मैं मुझे क्या पता कितने क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। खैर साहब जैसे जैसे उन्होंने बनाया, हम लोग खाया, उनके कॉलेज में गए मथुरा भी सर। मैंने खड़ा रह करके 3 मिनट ही बोला, मैं 3 ही मिनट कहा कि देखो भाई इस वक्त मैं इतना भरा हूँ, इस वक्त मैं क्या बताऊँ आपको, मैं किस स्थिति में हूँ, मुझसे कुछ बोलने के लिए मत बोलिए। मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करूँगा कि जब भी आपको मौका बने आप वहाँ जरूर जाइए। क्या उन समाधि में जरूर जाकर इतना ही मैं आपसे कहूँ, बस 3 मिनट 4 मिनट बोल गए। अब वहाँ से आना बनारस ट्रेन पकड़नी है, तो एक एक सन्यासी था, दाढ़ी वाला यंग लड़का था, तो मुझे पता है शॉर्टकट कैसे जाते हैं, तो अगर टाइम बच जाएगा मैं आता हूँ आपके साथ, तू बैठ जा। अभी गए नहीं है
थोड़ी दूर, वो कहते हैं मैं भूल गया रास्ता। अरे मैंने कहा मार दिया तुम। खैर साहब जैसे तैसे हम निकले वहाँ से, वो रेलवे के फाटक आए, ये आए वो आए, क्योंकि इट वॉज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम गाजीपुर टू बनारस। तो रास्ते में वो, और फिर क्या हुआ, इलेक्शन का टाइम और ट्रक में लोग नारे लगा रहे हैं, तो रास्ते जाम पड़े हुए हैं, कोई जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, अपन स्टेशन पर नहीं जाते, अपन जो यार्ड में अपन रुक दो कहीं गाड़ी को, वहाँ से मैं सामान ले जाकर और चल जाऊँ। तो यार्ड में हम रुके, गाड़ी सामान निकाला और हम जाए तो देखा वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा भाई कौन सी, बोले साहब लखनऊ एक्सप्रेस। मैंने कहा लखनऊ एक्सप्रेस, ये तो ऑलरेडी 2:15 बज रहे हैं यार, यहाँ पर गाड़ी कैसे कर। बोले साहब लखनऊ एक्सप्रेस है। हमने साहब सामान उठाया, मैं तो गए ना, जैसे जंप लगाया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐसा करके ऐसा जा करके ब्रिज कर आए। हमने गाड़ी के अंदर डब्बे में बजाय से जा करके मैंने अभी सामान रखा ही है, और वहाँ वो टीटी ऐसा बैठा हुआ है। वो कहता है साहब गजब हो गया, ये गाड़ी का डिपार्चर 2:15 का डिपार्चर है, गाड़ी यहीं से चलती है और गार्ड झंडी दे दे करके थक गया है, 2:15 बजे आप जैसे आए हैं और गाड़ी चल पड़ी है। मैंने कहा बात ही बताओ, आप कुछ पूछ पूछ मुझसे कुछ भी बात ना करो, एंड दिस इज रियली हैपन 2:15, और गाड़ी वहीं से चलती है, ऐसे नहीं कि बाहर से आई हो तो लेट आई हो, वहीं से शुरू होती है 2:15 बजे की गाड़ी। बोलो मुझे लगा 2:15 की, और 2:15 बजे बज गया थी तब, और वो गाड़ी झंडी दे रहा है, गाड़ी चल नहीं रही। मैं कह रहा था आशी ये कि किस शब्दों में रखें, इनकी शक्ति कहो, इनकी लीला कहो, इनका इनका संभालना को, आपने गुजरात में बधुँ साचवी ले सब संभाल ऐसा सब संभाल लेते हैं, ये इनकी लीला है। तो कृष्ण की लीला जैसे इनकी लीला है जो भी हुआ। विधान स्वामी आपने बहुत नज़दीक से जो देखा है, वो तो एक सामान्य प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि कई हजारों लाखों पुस्तकें ओशो ने पढ़ी थी, और वो भी कहा जाता है कि वो पढ़ते ही नहीं थे, बिना पढ़े ही बुक जो है वो आत्मसात हो जाती थी। आप उसके ऊपर मैं कुछ ऐसा है, अपन शुरू करते हैं उनके बचपन में, लाइब्रेरी में जाते थे वो, और वो लाइब्रेरी कहते थे कि मुझे बुक तो वो एक देता, वो कहते दो चाहिए। अच्छा हाँ, वो कहते एक तो पढ़ के दार, आप मुझे दो बुक दीजिए, मैं शाम तक ला दूंगा, मैं कल भी नहीं शाम को दोनों बुक ला दूंगा पढ़ कर। तो जैसे जैसे करके दे देता था, तब से उनका पढ़ना मतलब कहना। बाद में जो हमने जो जाना है वो ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी और 400 विषयों पर पढ़ी, ऑन 400 डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने 1.5 लाख से। और उनकी पुस्तक पढ़ने का तरीका ऐसा था, जैसे हम तो ऐसे पढ़ते ना ऐसे, वो ऐसे नहीं पढ़ते, वो ऐसे पढ़ते, स्कैन करते थे, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा पढ़ जाएंगे, सिस्टम में चला जाता था, ऐसा स्कैन करते थे। अगर आप किताब बंद करो, पूछा भी है एक बार, किताब बंद करके पूछा कि भगवान ने 73 पेज में 3rd पैराग्राफ में क्या लिखा है, पूछता है क्या, पूछा भी है वो। हाँ दैट मीन्स ही वाज टेस्टेड एब्सोल्युटली, और बताया ये लिखा हुआ उसका। अभी अच्छा दूसरा क्या होता था कि बुक की खत्म होने के बाद एंड में, अभी भी आप देख सकते हैं पूना लाइब्रेरी में, वो उनकी सिग्नेचर होती थी और तारीख होती थी जिस तारीख को पुस्तक पढ़ी गई, यू कैन इवन सी दैट। रोज की 10 पुस्तकें पढ़ती थी, तो अनिला थी लाइब्रेरियन, उसका तो टास्क ये था कि 10 और नई पुस्तकें होनी चाहिए, एक बार पढ़ ली गई वो फिर वापस नहीं आएगी, जो पढ़ ली गई वही अंदर लाइब्रेरी में फिर नहीं आएगी। तो नई 10 पुस्तक उसको अमेरिका जहाँ जहाँ कहीं से भी किसी जगह से भी, शी हैज़ टू मेक श्योर दैट देयर आर न्यू बुक्स अवेलेबल, 10 new books एवरी डे फॉर हिम टू रीड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा कि उनसे किसे पूछा, उन्हें उससे हाँ हिंदी के उपन्यासकार यशपाल जैन से बातचीत हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी आपने, क्यों क्या हो। तो कहते हैं मुझे कोई परीक्षा वरीक्षा तो देनी नहीं थी, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि आज के युग की समस्या क्या है, आज मनुष्य को क्या चीज़ सता रही है, क्या इश्यूज हैं आज के, क्योंकि मुझे उसके कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात करनी है। ट्यू हाँ,
मुझे उसके संदर्भ में मेरी बात कहनी, मैं अपनी बात कहने आया हूँ, मैं कोई तोता नहीं हूँ जो सारी गीता में से उपनिषद रट करके आपको बता दूँ सारी बात। मैं मेरी बात कहने आया, मेरी बात आपके संदर्भ में आएगी तो आपके काम में आएगी, नहीं तो किसी काम के नहीं होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आज के जमाने का इशू क्या है। अब आप देखिए इस बात को समझने की बात है कि बुद्ध और महावीर के समय पर सबसे बड़ा इशू क्या था? हिंसा, जानवर काटे जा रहे हैं, बलि दिए जा रहे हैं, पुरुषों को बलि दिया, हिंसा सबसे सबसे ज्यादा उनका मंत्र ओशो बुद्ध ने मार्जक है, अहिंसा कर दिया। ठीक है, अब मिडिल एजेस में आ जाइए, मिडिल एजेस में इतने अटैक्स हो रहे हैं, त्राहिमाम सारा देश हो रहा है, कोई समाज संभालने वाला नहीं, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, तो हमारे संतों ने भक्ति का मार्ग दिखाया कि परमात्मा की भक्ति करो, समर्पित हो जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करे, और तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं, यहाँ सब अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। तो भक्ति संप्रदाय को वो इशू बना, इशू ये बना कि कैसे आदमी को इतना साहस मिले, ताकत मिले कि अपना जीवन जी सके, वो भक्ति का इशू बना। अब हमारे ज़माने में हमारे ज़माने का इशू क्या है? सेक्स सबसे बड़ा इशू, हर चीज़ में जहाँ लोगों का लगा हुआ है, 24 घंटे ज़्यादा दुनिया भर में एडवर्टाइज देखिए, ये देखिए, कहानी देखिए, मूवी देखिए, वही भी उन्होंने उसको एड्रेस किया। आप ऐसे नहीं एड्रेस किया उन्होंने, क्यों? आज का इशू वो है, रिप्रेस है आदमी, आदमी उसको दबा करके बैठा हुआ, आदमी उसको समझ नहीं रहा है, और उसको उठा करके कैसे रूपांतरण करके उसी ऊर्जा को समाधि तक कैसे ले जाया जाए, ये सारी बात वो जो संभोग से समाधि को जो टाइटल है उस टाइटल में आप देख लीजिए, आप देखिए आदमी कैसे पढ़ता है भद्राचल। टाइटल ये था संभोग से समाधि की ओर, वो पढ़ता है संभोग द्वारा समाधि की ओर, वो द्वारा पढ़ता है, उसे ये उसके माइंड में जो चल रहा है वही चल रहा है। अब आप पता है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे अभी याद आ रहा है, भारतीय विद्या भवन के मुंशी का जो बम्बे है, उनके जो संचालक रहे होंगे, उनको एक विचार आया, तो उन्होंने ओशो उसको जबलपुर में प्रोफेसर थे, तो वहाँ पर उनसे कहा कि प्रेम इस विषय पर हमें आपके चार प्रवचन हमारे चाहिए। मैं आऊँगा। तो पहले दिन वहाँ पर भरा हुआ खचा खच भारतीय विद्या भवन हॉल, और आए तो उनके आयोजक पीछे बैठे हुए हैं, तो उसने कहा कि प्रेम इस विषय पर बात करूं, उससे पहले कान की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर से शुरू होता है, उससे बात प्रेम, प्रेम से प्रार्थना, प्रार्थना से परमात्मा, ऐसे उसके एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो मुझे काम की तो बात करनी पड़ेगी। अब वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बुला बोलने थोड़ी आए थे, तो एक ऐसी चिट भेजी उन्होंने कि इस प्रकार की चर्चा होशो उन्होंने चिट दिखाई, देखिए भाई आपके संचालक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस विषय पर आपसे बात ना करूं, अगर आप चाहते हैं कि बात करूं तो आप हाथ ऊंचा करें, सबने हाथ ऊंचा किया, भैया इन्होंने तो हाँ कह दी है, आपको जो करना हो तो करो, कर वो खिसक गए, वो चले गए, अच्छा। बैठे ही नहीं हो, खैर पूरा पहला एक पहला प्रवचन पूरा हुआ, अब और उन्होंने कहा कि साहब हम दूसरे प्रवचन कैंसिल करते हैं, तीन प्रवचन कैंसिल कर दिए, उन्होंने कहा ठीक है मैं जबलपुर चला जाता हूँ। फिर कुछ बुद्धिमान लोगों को अकल आए कि भैया हमने चार प्रवचन की बात की थी, अभी एक ही सुना हमने, पहले अगले तीन भी तो सुनने चाहिए, तब तो हम जजमेंट पर ला सकते हैं कि भाई ठीक था कि नहीं था, तो फिर वापस गए, तो कहा कि आप आइए और एक शर्त पर, अब मैं कमरे में हमने मैं खुले मैदान में बोलूँगा। तीन प्रवचन बाकी के उन्होंने ग्वालिया टैंक जो मैदान है 70,000 आदमियों के सामने बोले, 70,000 पीपल, अब ये सारा प्रवचन वाला पूरी हुई, अब सवाल ये था कि इसको टाइटल देना, तो सन्यासी ओशो शिष्य बैठे थे योगचंद में थे, और तो बैठे क्या टाइटल है, तो किसी ने कहा कि राम से काम की परमात्मा की यात्रा, काम से नहीं कुछ संभोग से समाधि की, और हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। मैंने कहा था ओशो सदगुरु का होता डिवाइस करता है, वो उपाय करते हैं किसी तरह को जगाने के, ये भी एक उपाय है, टाइटल देकर के एक उपाय अड़बड़ाए, और सबसे ज्यादा बड़ी किताब ज्यादा वो भी की है, बेस्ट सेलर है सभी भाषाओं में, 100 भाषाओं में अनुवाद हुआ है सर उसका, और सभी भाषाओं में बेस्ट सेलर रही है। और उसके बाद एक मजेदार बात और बताऊं आपको, हाँ जी,
यहाँ दिल्ली में पुस्तक मेला होता है, हर साल होता है, पहले हर दो साल बाद होता है, हर साल होता है। तो एक मुझे याद, साल ईयर याद नहीं है, पर हमारा स्टॉल लगा हुआ था ओशो वर्ल्ड का पूरा, और वहाँ सुबह मैं पहुँच गया तो किसी ने कहा कि रिपोर्टर आपसे बातचीत करने आने वाला है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ बाहर, खड़ा हूँ देख रहा हूँ हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ओशो की पुस्तक हैं ये वो सब। और इतने में एक कपल आया, तो वो उसमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कान में कहता है जी वो समूह देव किताब। मैंने कहा जरा जोर से बोलो ना यार, पत्नी पीछे खड़ी है। मैंने कहा पत्नी पीछे खड़ी है तो क्या हुआ? तो ठीक है, ये सामने थी किताब के छुपा के तो रखी नहीं, ये सामने रखी हुई है, तुम देखो किताब को। उसने किताब उठाई और उसने पन्ने पलटने शुरू। मैंने कहा क्या नंगी तस्वीरें देखना चाहिए? पत्नी पीछे, अरे मैं फिर पत्नी की बात कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या पड़ा हुआ, तुम उसको नहीं देख रहे हो, तुम्हें बुक से लेना देना, तुम चित्र देख रहे हो तुमको। ये उस दिन की घटना है, ठीक है। दूसरे दिन कोई आने वाला नहीं था, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ और एकदम सज्जन आता है, मुझे कहता है जी वो किताब है क्या? मैंने कहा तू घर जा, तू अगर किताब का टाइटल भी नहीं बोल सकता तू घर, तेरे काम की किताब है, तू घर जा। अब आप देखिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, यहाँ बम्बई में एक मिनट, भीलवाड़ा में एक कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे टॉक के लिए बुलाया था, बहुत सालों पहले की बात है। फिर वो बम्बई चले गए और एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक कोई है, उसके वो चेयरमैन हो गए सब। उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहाँ से ढूंढ करके मुझे कहा कि मैं वहाँ पर आऊँ। और मानवेंद्र नाम था ना, उपेंद्र नाथ सब नाम था, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ के साथ आप बात करो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रवचन माला है, उन्होंने, उनकी पत्नी ने, उनके पिता ने, उनकी माता ने, चारों ने मिलकर के साथ में सुनी। अच्छा, उनके साथ पत्नी का। और उन्होंने कहा कि, और ये अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन है, उनके तो वचन है, मेरे पास कोट भी है, कि ये किताब ऐसी हर स्कूल के हर बच्चे को उस किताब को पढ़ना चाहिए, उसको टेक्स्ट बुक बनाना चाहिए, उसको एक गीता की तरह किताब है, सिर्फ किताब नहीं है ये, उसका जो समझते हैं जिस बात को। मेरा कहने का आशय ये है कि हर एज का इश्यू होता है, तो इस इश्यू को उसने कन्फ्रंट किया, इसलिए विरोध हुआ। बुद्ध का भी विरोध हुआ, महावीर का विरोध हुआ, हमारे भक्ति संप्रदाय में संतों का कितना विरोध है। तो विरोध तो होगा, क्योंकि उस इश्यू को छेड़ा आपने, जिस इश्यू के बारे में उनको बात भी नहीं करनी, उनको खाली अंधा आँख बंद करके उसको फॉलो करना। अभी आपने वो गीता की बात छेड़ी थी, तो गीता के बारे में भी ओशो के साथ गीता का ऐसा था कि अहमदाबाद में प्रवचन माला शुरू हुई थी, उसका नाम था गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा प्रवचन माला का नाम था। तो पहले दूसरे दिन कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप गीता पर बोल रहे हैं, तो आपने तो गीता का बड़ा गहन अध्ययन किया होगा। तो जो कहते मैंने अध्ययन वगैरह तो कुछ किया नहीं, एक दिन ऐसे ही किसी ने मुझे गीता दी, मैंने एक दो पन्ने देखे, मैंने कहा ये तो मुझे कहना है। अच्छा, और बोली गई गीता है वो, और वो तरुमा श्लोक गाएंगे गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, तो एक पहले दो दिन बाद किसी ने आके पूछा कि आचार्य जी आप गीता पर बोल रहे हो, तो आपने तो बड़ा गहन अध्ययन किया हो। तो ओशो कहते हैं नहीं, अध्ययन तो नहीं किया, मैं ऐसी किसी ने एक दिन मुझे किताब दी, मैंने पढ़ी, मैंने देखा कि ये तो मुझे कहना है। और वो माँ तरु श्लोक गाएंगी, उसका अनुवाद होगा और ओशो स्पॉन्टेनियसली उसी वक्त उसको बोलना शुरू करेंगे। तो आप देखिए, गीता पर जहाँ तक मुझे स्मरण है, अब तक आदि शंकराचार्य से लेकर के अभी तक करीब 1000 टीकाएं हैं, या उन 1000 टीकाओं में आदि शंकराचार्य की टीका से लेकर के अभी तक, उसमें लोकमान्य तिलक हैं, विनोबा भावे तक, सारी टीकाएं लिखी गई हैं। या आदि शंकराचार्य ने चाहे कुटिया में लिखी हो, चाहे लोकमान्य तिलक ने जेल में लिखी हो, चाहे विनोबा जी ने आश्रम में लिखी हो, ठीक है, लिख करके बैठ करके लिखी, लेकिन बोली गई, स्पोकन कमेंट्री है, ये लिखा रिटन नहीं है, स्पॉन्टेनियसली स्पोकन। और इधर ओशो बोल रहे हैं गीता पर, और एकदम से एक आदमी खड़ा होगा, आचार्य जी वो तो है, लेकिन वो आपने परसों आत्मा परमात्मा के बारे,
तो ये नहीं कहेंगे उसको देखो ऐसा है अभी हम ये बात पूरी कर लेते हैं कल में इसकी बात मेरी उसी रुक जाएगी ऐसा भी कोई वक्ता कहते हैं वे बात बताता हूँ वहीं के वहीं उसको जवाब देंगे और फिर ओरिजिनल लिंक पर आ जाएंगे हम भूल जाएंगे कहाँ छोड़ा था बात बात कहाँ छूटी थी हमको याद नहीं लगे उनको याद रहेगा कि कहाँ बात छूटी थी फिर आकर उसको पिकअप करेंगे तो फिर सारे अभी गीता का आज 18 अध्याय पर 5000 पन्ने हैं उनके 5000 पेजेस आप कल्पना कर सकते हैं और उन्होंने यही कहा उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना बोलते हैं बोले मैं कोई तोता नहीं हूँ कि मैं रिपीट करूँ मैं तो अपनी बात कहने आया हूँ ये तो खाली खूंटियाँ मैं टांग देता हूँ अभी गीता क्या बात है वाह वाह खाली बहाना है मुझे कहने तो मैं अपनी बात कहने आया हूँ मैं रिपीट कर नहीं आया हूँ किसी चीज़ लेकिन सिद्ध पुरुष जो भी बात कहते हैं उनमें कोई ध्यान फर्क नहीं कृष्ण ने कही हो कोई बात आज वो भी कह रहे हैं लेकिन कृष्ण को रिपीट नहीं कर रहे बात आज के संदर्भ में कर रहे हैं इसलिए नहीं है इसलिए उसके युग के लिए उसका 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 रेलेवेंस है विदन सॉरी एक बात ये पूछनी है आपसे कि जैसे जैसे ओशो का लाइफ आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जैसे विद्रोह चला विरोध चला चाहक वर्ग भी बहुत बढ़ता रहा और एक समय ऐसा खुद ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया विड्रॉल फ्रॉम हिमसेल्फ क्या आपको नजदीकी से ऐसा लगता था कि दैट वॉज ऑल्सो डिवाइन प्लानिंग क्योंकि वो आपको मालूम है वो रोग इंट्रोड्यूस करना माला इंट्रोड्यूस करना बाद में वो वापस लेने की बात करना ये जो सब था व्हाट इज योर आपका उनका अवलोकन क्या रहा पहली बात तो ये है कि क्योंकि बाहर ओशो के सन्यासी विदेशी सन्यासी एयरपोर्ट को रोक दिए जाते थे उनको अंदर आने नहीं दिया जाता था उनको वापस लौटा दिया जाता था एयरपोर्ट से क्योंकि वो माला पहन के आते थे रोप पहन के आते थे ये इतना सारा हो गया था कि उन्होंने ओशो ने कहा कि माला रोप पहनने की कोई जरूरत नहीं तुम रेगुलर क्लोज में हो तो उनके कई प्रवचन रेगुलर क्लोज में हुआ हम आ गए पर वो भी एक डिवाइस थी बाद में ओशो ने उसका कमेंट दिया है जब मैंने कहा कि नहीं पहने दो इतने खुश हो गए आप लोग एक बड़े उत्साह से आपने उसको उतार रख दिया तो कैसे काम करता है पर दोनों चीज़ें चल रही थी एक तो उनको भी परेशान ना हो उसके लिए भी किया था इस तरह से उन्होंने किया लेकिन आपका जो प्रश्न है वो बहुत फंडामेंटल प्रश्न है मैं एक बात बताऊँ सर जो मेरी समझ में आती है वो हाँ जी एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सद्गुरु के का सारा जीवन मोमेंट टू मोमेंट होता है मोमेंट किस मोमेंट पर क्या कब क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते आप आज किया से कल भी वैसा ही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है उन्होंने आज जो कहा वो कल भी कह रहे आपने देखा होगा आप पढ़ रहे होंगे तो आज ये कल वो कॉन्ट्रेडिक्शन होगा तो वो कहेंगे कि मैं तो कल की बात है तो कल की बात कह रहे आज मैं आज की बात कह रहा हूँ वो ये बता रहे हैं कि तुमको तय करना है कि कौन सी बात तुम्हारे लिए उपयोगी है उसमें से क्योंकि सत्य जो है ट्रुथ जो है ना वो तो और कॉम्प्रिहेंसिव है अगर रात है तो दिन भी है भाई मृत्यु है तो जन्म भी है क्या करें आप ये नहीं कह सकते सिर्फ रात ही रात नहीं दिन ही दिन होना चाहिए नहीं ऐसा जरूर नहीं है क्योंकि द टोटैलिटी इंक्लूड्स ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस या टोटैलिटी इंक्लूड्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द टोटल ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इज टॉकिंग अबाउट द टोटल तो उसमें हर तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो आज ये किया तो कल ये भी किया उन्होंने कहा कि नहीं कपड़े नहीं पहनने ऐसे तो बिना फिर कहा कि नहीं सबको उसी में आना है माला ही पहनना है गिरोह पहनना है तो मेरा कहने का आशय ये है कि सदगुरु के किसी भी विचार को भाव को उनके एक्शन को एक ही रूप से देख सकते हैं कि दे आर ऑल डिवाइसेस ये सारे उपाय हैं उनके शिव सूत्र में एक बहुत अच्छा वचन है हाँ जी गुरु पाया गुरु एक उपाय है ऐसा वचन है अच्छा गुरु पाया गुरु एक उपाय है गुरु खुद एक उपाय है और वो जो भी करता है वो भी एक उपाय है काय का उपाय ताकि हमारे भीतर की मूर्छा टूट जाए हमारे भीतर एक अवेकनिंग आ जाए अवेयरनेस आ जाए हमारे अनअवेयरनेस में बाहर निकले इसके लिए उपाय करते हैं अब जैसे एक उदाहरण ओशन दिया कि एक सूफी फकीर था वो अपने शिष्यों के साथ वॉक पे निकला हुआ है खेत में से जा रहा है खेत है चारों उतने में एक आदमी एक गाय को लेकर के जा
उसके हाथ में रस्सी है, गाय लगी हुई है। तो वो फकीर उसे पूछता है शिष्यों से, गाय किसकी है? बोले सर गाय तो उस आदमी की है जिसके हाथ में वो जो रस्सी है। अच्छा गाय उस आदमी की है, ठीक है कहानी है। उन्होंने अपनी झोली में से कैंची निकाली और रस्सी को काट दी तो गाय भागी। गाय भागी तो वो किसान के पीछे भागा। तो वो कहता है कि तुम तो कहते हो गाय किसान की, गाय को किसान के पीछे भागना चाहिए, किसान को गाय के पीछे भागना चाहिए, गाय का किसान है कि गाय की, किसान गाय की है, क्या क्या चक्कर क्या बताओ बताओ। ये उपाय किया उसने खाली, उसने भाषण न दे करके खाली एक सिचुएशन खड़ी की। तुम कहते हो कि गाय किसान की, नहीं किसान की नहीं, किसान गाय का। हम हमारे ऑब्जेक्ट से हम मालिक नहीं है, हम ऑब्जेक्ट मालिक, ऑब्जेक्ट हमारा मालिक है। ये बात बताना चाहते हैं, हमारे घर हो मकान हो, कुर्सी मेरी कुर्सी है, ये मेरी कार है, तुम छू नहीं सकते इसको, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हम जिस चीज को कहते हैं हम मालिक है, हम उसी के गुलाम हो जाते हैं। वी बिकम पजेस्ड बाय द पजेशन, जो पजेशन उसके पजेस हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन खड़ी करके ऐसे उपाय ढूंढ ढूंढ करके सदगुरु हमको नए नए ढंग से देखने की एबिलिटी देते हैं। तो ऐसे देखो उसको, ऐसे देखो उसको, ऐसे देखो, ऐसे ग्रोथ प्रोसेस को, मैच्योरिटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आप बेसिकली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपका अध्ययन अध्यापन सब कुछ ऐसा रहा, और ओशो के शिक्षा में क्रांति बहुत बड़ी उनकी एक वारदात हुई। ऐसा ऐसा हुआ कि शिक्षा में क्रांति का रेफरेंस निकलता ही है। कोई नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो और यूनो में कोई बात होनी है तो हम सोच सकते हैं कि कोई भी बात उनमें से आ रही है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है शिक्षा में क्रांति और रियल एजुकेशन व्हाट यू हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड? देखिए जब जैसे ही हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रांति बेसिकली मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कहीं क्रांति हुई है तो वो समाज फिर वैसा नहीं रहा, वो राज्य वो सरकार फिर वैसी नहीं रही, बदल गई, वहां से क्रांति कहते हैं। 1857 में क्रांति हुई या जहां जहां रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, वो चीज जो पहले थी वो नहीं रही, बदल गई। तो क्रांति से मतलब ये एजुकेशन जो है इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स लाइफ एंड मेकिंग इट टोटली डिफरेंट देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। उस क्रांति के मूल में उनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के भीतर की जो संभावना है उसका विकास होना चाहिए, केवल बुद्धि का ही नहीं, उसके 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 मन का, उसकी भावनाओं का, उसके अंदर छुपी हुई सृजनात्मकता, इन सबका एक टोटल सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अगर शिक्षा हुई तब तो शिक्षा की बात हुई, नहीं तो शिक्षा का मतलब नहीं है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए, शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी नहीं है, टीचर है, शिक्षक है। हम क्या करते हैं जैसे शिक्षक की बात हुई कि लड़के को पढ़ जाते हैं ठंडा लगा करके, ये करो वो करो वो करो, ऐसा खड़े रहो बैठे रहो, ये पास नहीं किया नंबर, नहीं नहीं नंबर नहीं, शिक्षक है, शिक्षा का केंद्र शिक्षक है। अगर शिक्षक में क्रांति हुई तो शिक्षा में क्रांति होगी। तो शिक्षक में क्रांति कैसे होगी? उसके भीतर के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर विकास होना जरूरी है, तब तो बच्चे के साथ दे सकेगा। क्यों? बच्चे का पूरा इंटरेक्शन तो शिक्षक के साथ होता है, 6 घंटे तो शिक्षक के साथ जाते हैं उसके। घर पे तो माँ बाप के साथ थोड़ा मिलना होता है, थक करके आया है, अभी खाया, अभी होमवर्क करना है, थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठा हेलो, फिर बाय करके सो, कितना इंटरेक्शन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा 5-6 घंटे तो शिक्षक के साथ रुक जाता है। तो उसका सारा उस एनर्जी को कैसे झेलता है बच्चा, उस बच्चे का क्या असर होता है उसके ऊपर, वो मूल बात। इसलिए उनका कहा था कि शिक्षक पर सबसे ज़्यादा ध्यान मान दिया। और शिक्षक के ध्यान का मतलब ये है कि उसके अंदर अपने भीतर पहले इतना क्रांति हो जाए कि वो विद्यार्थी में विश्व क्रांति लाने के लिए सक्षम बन सके। इतनी सारी किताबें आपने भी कई ट्रांसलेशन किए हैं, कितनी सारी किताबें भी आपने पढ़ी है, यदि आपको पूछा जाए कि ओशो का बेस्ट ऑफ द लॉट कोई बुक आप बताएं तो क्या बताएंगे? इससे ज्यादा कठिन कोई प्रश्न हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कैसा उत्तर निकल, कोई भी पुस्तक क्या, उनकी एक लाइन अगर पता चल जाए, आप तो पुस्तक की बात कर रहे हो सर, एक लाइन ही अगर मिल जाए तो नहीं, मानो कोई बच्चों के लिए कोई आपको पेरेंट कोई पूछे कि आपको एक बुक सजेस्ट करनी है तो कौन सी बताएं?
शिक्षा में क्रांति तो ओवरऑल है, या फिर बुक फॉर चिल्ड्रन ऐसी बुक है। ओके, बुक फॉर चिल्ड्रन अभी हमारे पास स्टोर में है, मैं दिखाऊंगा। अच्छा, वो दे सकते हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए वो उनको पढ़ सकते हैं। और यंग लोग कोई आके आपको पूछे, अगर ओवरऑल उनका दर्शन जानना हो केवल शिक्षक और ओशो के बारे में, तो मैंने जैसे कल भी चर्चा हुआ, यहाँ है नहीं हमारे पास, माई वे द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड उसका नाम है, माई वे द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड, ओके ये नाम है उसका। मैं आपको बताऊँ कि एक, माफ करना पर बोलना पड़ रहा है, एक जिस्ट की तरह, जिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है सदगुरु के साथ, तो फिर भी उसमें जो प्रोविजन है पूरी सीरीज में, उनके बेसिक्स की चर्चा की है, बेसिक्स की, फिर बाद में सभी इलैबोरेशन पे हुआ है, नॉट दैट ही स्टार्टेड दैट वे, जैसे कुछ ऐसा हो गया है कि उस प्रोविजन के अंदर फाउंडेशन कोर्स जैसे बोलते हैं इनको, वो उसके अंदर फाउंडेशन वहां को, मैंने पहली बार जब पढ़ा उसको, अमेरिका में था मैं, ऐसे एक लाइन पढ़ता था मैं सुन्न हो जाता था, आगे बढ़ नहीं पा रहा, माय गॉड व्हाट अ स्टेटमेंट। उनको मिलने के पहले आपने पढ़ा था? हाँ, मिलने के पहले। अच्छा। दूसरा पढ़ने एकदम से रुक जाता था। तो वो जो मैंने प्रवचन माला सुनी महावीर की, और ये जो पुस्तक पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा ना, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, आई हैव टू सी। तो वो पुस्तक जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, अगर इंग्लिश की कोई बात करो, इंग्लिश में। अभी जैसे आपने बताया वो समाधि वाली बात, जहाँ आप समय का कोई ख्याल न रहा, तो वैसे ओशो ने किन किन के बारे में नहीं बोला है वो बताना कठिन हो गया है। तो मानो गोरख की बात हो या बुलेशा की बात हो, ऐसे कई लोगों के बारे में, तो सामान्य एक प्रश्न ये होता है कि ये तो हिस्टोरिकल बातें होती है, टू से समथिंग अबाउट समवंस लाइफ, तो उसमें तो डेटाबेस भी चाहिए, और उसमें से कैसे चमत्कार हुआ या एनलाइटनमेंट हुआ वो बताने के लिए अपना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो बुक में से ही पढ़ के सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा, या ही माइट बी गेटिंग समथिंग। देखिए, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एंड क्वेश्चन टू। देखिए, मेरी तो बहुत छोटी समझ है, मुझे को बहुत पता है, लेकिन छोटी सी समझ में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को समझ सकता है, वो हमारा नहीं समझ सकता, उसे पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ना तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है फैक्चुअल, ताकि आप रिलेट कर सकें उसके साथ, आपके हेल्प के लिए करना पड़ता है। बाकी तो जो असल में जो उसका जो सार है, उसको सार के लिए उनको पढ़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप उनके साथ मेल हो ही जाता है उनका। विशेष आप गोरख पर बोले हैं, कबीर पर बोले हैं, क्या आदमी बोले हैं, कोई हिस्टोरिकली हिस्ट्री का इसलिए देंगे आपको जो बोल, ताकि आपको लगे कि हाँ ये मैं इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ कि एक हिस्टोरिकल घटना घट गट गई है। अगर उसको हटा दिया जाए तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए वो आपको दे दिया। लेकिन जिन लोगों पर नहीं बोले हैं, उन लोग इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि उनको ये देखा होगा कि हमारे काम की उसके अंदर कुछ उपयोगिता नहीं होगी, तो नहीं बोल रहा होगी। और जहाँ हमारे काम की होगी वहाँ उसको डेफिनेटली बोले। आज कितना सारा बोले हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ, या हेराक्लाइटस पर बोले हैं, पाइथागोरस पर बोले हैं, और कितने वेस्टर्न ऑथर्स पर बोले हैं, सब पर बोले हैं। पर इसीलिए बोले हैं कि वो हमारे आज के जीवन के साथ उसका कुछ तालमेल है, नहीं तो बोलने का वो जो बेसिक बताया था कि आज का प्रश्न क्या है उसको देखिए। ऐसा लगता है वेदांत स्वामी कि एक बड़ा सा ओशन है, और एक ही ओशन नहीं है, सात सात महासागर है, और इसमें से हमने आज जो बातें की वो तो एक छोटा सा बूंद है, लेकिन आप भाग्यशाली रहे कि आप बहुत ओशन के पास रह के हमारे साथ आज रहे। मेरा मानता हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं कह रहे हो तो हमको याद आ रहा है। हाँ जी, प्रेम कैसा था जब मैं रजनीशपुरम
मैं लंबी कहानी है, मैं कैलिफोर्निया में मुझे नौकरी करनी पड़ी, पुणे से निकल गए थे, वहाँ पर आ गए थे, तो वहाँ से मुझे उसका मैसेज आया शीला का कि ना यू कम आने के लिए, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो शीला कहती है भगवान वॉन्ट्स टू सी यू, तो मैं उनको मिलने के लिए अकेले बैठे हुए हैं वो, और मैंने उनको चरण स्पर्श किए, उनका पहला वाक्य था आई मिस्ड यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, अरे मैं तो गदगद होकर उनके चरणों में ढोल गया, परमात्मा कहेगा आई मिस यू एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई क्या बात है। हाँ तो पर प्रेम कितना है, और सब तो मैं को एक्सेप्शन नहीं, हजारों लाखों करोड़ जो सबके सब लिए उनका प्रेम रहा है, ऐसी बात नहीं, मैं तो मेरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। फिर एक बार शायद मैंने आपको किसी को मैं कह रहा था परसों कि 88 में जब मैं आया ना बिना किसी को कहे हुए तो उस वक्त तो जो हुआ हुआ, फिर जब 89 में मैं आया और जब मैंने चरण स्पर्श किए तो पहला वाक्य था इस बार सबको कह के आया हो ना, याद मैंने कहा क्या भगवान ने कह, तो कहते हैं कि नाउ यू ड्राउन योरसेल्फ कंप्लीटली इन माय वर्क। ये इसको समझने से कि उसने हजारों सूत्र दिए हमारे काम के लिए, उसमें एक सूत्र था टोटैलिटी का, संपूर्णता में होना, टोटैलिटी से काम करना, हम आधा अधूरा काम करते हैं, आधा किसी और को छोड़ देते हैं। अब कल भी ओशो प्रवचन में कह रहे थे काम करता हूँ तो पूरा करता हूँ, तो मुझे कहते हैं फकीर बोलते हैं काम करता पूरा करता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि नाउ यू ड्राउन योर सेल्फ कम्प्लीटली इन माई वर्क, डोंट लीव अ सिंगल ट्रेस ऑफ योर्स, और फिर कहते हैं नाउ देयर इज नो मोर बर्थ फॉर यू, इनफ इज इनफ। अब पहला वाक्य है, उस वाक्य को अगर आप ध्यान में रखें कि टोटलिटी की बात क्या है, कि जो भी हम करते हैं पर्टिकुलरली जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग पे आधा आधा काम नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता, नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं हम काट छाट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, और उसके लिए उन्होंने कितने हमको मौके भी दिए, तुम डूब के देखो उसमें डूबते हो, अब रणनीशपुरम कितना बड़ा उदाहरण है, 5,000 आदमियों का वहाँ होना, 5,000 पीपल का, उनको मजाक बात है सर, उनकी व्यवस्था करना, खाने पीने की रहने का, टिप टॉप क्लीन एकदम, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते, ये तो उस जो 5,000 आदमी कितना गंदगी फैला सकते हैं, सवाल नहीं पैदा, और 5,000 आदमियों के जीवन का परिवर्तन हो रहा है, वहाँ जब ताश नहीं खेलने बैठ कर लाइफ आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म। तो मेरे कहने का आशय है कि जब वो टोटलिटी की बात करते हैं तो टोटलिटी की बात में उनका ये होता है कि तुम्हारे भीतर की संभावना को अगर लाना है बाहर तो तुम्हें उतना प्रयत्न भी करना पड़ेगा, संकल्प पूरा होना चाहिए और संकल्प टोटल होना चाहिए, और फिर उसके साथ जो मैं समझता हूँ वो समर्पण कि महाराज आप संभाल लेना, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपना निकाल रहा हूँ और संभाल लेते हैं सब कुछ साक्षी ले सकते सब समझ लेते, ये तो कहने का आशय है कि उनके उनके बारे में कंसेप्चुलाइज करना और इंटेलेक्चुअली तो पॉसिबल नहीं, आप या तो प्रेम कर सकते हो उनके साथ या फिर नहीं कर सकते हो, पर आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत प्यार बहुत प्रेम दिया, वो कहते हैं 99 दे डिस्ट्रॉयड माई ड्रीम, जो रणीश ब्रह्म हुआ ना, दे पुट ब्लेम्स ऑन मी फॉर इट, आई हैव नथिंग टू डू, दैट इज वेरी ट्रू, दे हैव गिवन मी दिस पॉइजन इट विल नॉट गो अवे फॉर 9 years, थैलियम दिया था और फिर भी बट नाउ यू हैव कम स्टार्ट माय वर्क, जो हो गया सो हो गया, कौन इज गॉन, न फ्यूचर की बात करेंगे न भविष्य की बात करेंगे, इस मोमेंट पे क्या करना है और कितना टोटली करना है ये ध्यान में, और उनका सारा जोर इस बात पर था कि हम कैसे करते हैं, एक तो एक्शन होता है एक्टिविटी होती है, ये करना है ये करना है ये करना है काम करना है, लेकिन काम करते कैसे हैं, उनका जोर इस बात पर था, अवेयरनेस किस पर आती है, कैसे करते हैं, छोटी सी बात मैं ग्रास उठाता हूँ तो ये तो एक्शन हो रहा है एक्टिविटी है, पर कैसे उठा रहा हूँ, वहाँ अवेयरनेस की जरूरत होती है। उन्होंने एक बार बताया कि
मैं तेहरान में छोटी दो बातें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। एक यंग आदमी था, वो एक सूफी फकीर को मिलने जाने वाला था, तो बहुत उत्साहित था, कपड़े वपड़े पहन रहा था, तैयार हो रहा था। तो उसके रूम पार्टनर ने कहा, अरे चले जाना यार, तुम उनको मिलने जा रहे हो, इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे हो, तुम्हें क्या दे देने वाले हैं। बोले मैं कुछ लेने नहीं जा रहा, मैं खाली देखने जा रहा हूँ कि वो अपने जूते का फीता कैसे बांधता है, कैसे खोलता है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ इट टाइज एंड अनटाइज शूज, उसकी मौजूदगी, उसकी टोटैलिटी, उसका हुनर, उसका नॉन मैकेनिकल ढंग से करना, उसके चारों ओर का जो ऑरा है उसको मैं देखने जा रहा हूँ, वो कैसे करता है, मैं कैसे करता है देखने जा रहा हूँ, उसके होनेपन को देखने जा रहा हूँ। ओशो का प्रयोग करते हैं होना, होना इजनेस, इजनेस, उसकी इजनेस को देखने जा रहा हूँ। और ऐसा एक हुआ, एक अमेरिकन प्रोफेसर था, वो आया रिसर्च करने के लिए जापान, जेन मास्टर्स उसका अपॉइंटमेंट था, तो आया तो जेन मास्टर अपने कुटिया में बैठे हैं, उसकी राह देख रहे हैं। वो आया और उसने आकर के जो बरामदा होता है बाहर कुटिया के बाहर, उसने एक जूता यूँ फेंका, दूसरा यूँ फेंका, छतरी थी वैसे छतरी डाली उसने, और आकर के प्लीज टीच मी व्हाट इज मेडिटेशन सर। ऐसा तो जेन मास्टर कहता है, आई हैव नेवर सीन सच एन इडियट लाइक यू बिफोर। क्या बात करते हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैव कम फ्रॉम अमेरिका, आई एम अ प्रोफेसर, मेरे साथ क्या किया वो सवाल नहीं है। वो कहता तेरे जूते के साथ क्या किया तुमने, जूता जैसे फेंक, जूता, तेरे छतरी के साथ क्या किया, छतरी जैसे फेंक दी कोने में, तो छतरी है जैसे छतरी को हैसियत ही नहीं है, बाहर जा, जूता उठा, सर से लगा, जूते की क्षमा मांग, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, छतरी उठा, सर से लगा, छतरी की क्षमा मांग, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए, कैसे किया तूने, वो सवाल मेरे साथ किया तो बात ही बात, तेरे जूते के साथ क्या किया, जूते की भी अपनी को हैसियत है यार, इट हैज इट्स ओन एंटिटी, उसकी उसका हमारे वो एक बार नूर लखन लखनवी आए थे मुशायरे में पूना ट्रिब्यून में, उनका एक बड़ा प्यारा शेर, वो कहते हैं मैं कतरा ही सही, मेरा वजूद तो है, आई मे बी जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर बट आई हैव एन एंटिटी, यार क्या बात करते, मेरी को हस्ती है यार, जूते की भी अपनी हस्ती है यार, तो उसके साथ कैसे ट्रीट कर सकते, अगर उसके साथ तुम्हें नहीं आया तो मेरे साथ, मेरे साथ क्या तो उसको टोटल एफर्ट की बात है, और टोटल अर्थ के पीछे अवेयरनेस है, ओशो का सारा सारा जोर अवेयरनेस में आता है, हाउ टू बी अवेयर, हाउ टू बी अवेयर ऑफ अवर अनअवेयरनेस, ये सारा उनके सारा सूत्र अगर देखा जाए तो ये है उनका अवेयरनेस, अवेयरनेस। आप उसकी बात करते हो ना, बड़ौदा में ऐसा हुआ था, बड़ौदा टाउन हॉल है गांधीनगर ग्रह, तो उनका प्रवचन था, तो विरोध विरोधी जो पैसे याद आ रहा है, तो एक आदमी ने ऑडियंस में से उनके ऊपर एक जूता फेंका वहाँ से ऑडियंस से, तो उसने जूता उठाया, उसका भी ऐसा है कि एक जूता तेरे पास है, एक जूता मेरे पास है, तो दूसरा भी फेंक दे तो मेरे तो काम है, तेरे तो काम है। सारे हॉल को उन्हें इतना टेंस हो गया था, पूरा हॉल उसको सारे को डिफ्यूज कर दिया उन्होंने सबको, और उसको कहा इसको जरा प्यार से बाहर ले जाओ, इसको जूती की व्यवस्था करो, उसकी इसको जूता चाहिए। कहने का चाहिए कि वो किसी न किसी रूप में हमें कोई ना कोई सूत्र ऐसा दे जाएंगे कि हमें अपने आप को देखने का मौका मिलता है, लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, हमें देखने का, क्योंकि ध्यान तो हमेशा दूसरे पर होता है, और ओशो का ध्यान करना कि अपने पर ध्यान कैसे, और उसके लिए सूत्र देते हैं, कई सूत्र देते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस का सूत्र है, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कंडीशन डालते हैं, ऐसा होगा तो एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जीवन पर भी हम कंडीशन डालते हैं, जीवन ऐसा कैसे चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, वैसा हो रहा था, ये कैसे हो गया, नहीं जीवन तो अपने फ्लो से चलता है, उसे कहते हैं ना प्रवाह में बहते हुए पत्ते की तरह,
प्रवाह चल रहा है उसके अंदर और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट करके चल नहीं सकता। मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैं शिकागो में जब आया तो मिशिगन में वो मेरा मित्र आ चुका था, ऋषिकेश मैंने बात किया। तो उसने कहा कि तू आओ यहाँ पर गपशप करेंगे, बहुत समय से मिले नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं ड्राइव करके शिकागो से मिशिगन एन आर्बर आया। तो शनिवार का दिन था, उसने कहा मुझे क्लास पढ़ाने जाना है, तो यहाँ थोड़ा सा जस्ट स्ट्रोल टहल थोड़ा सा यहाँ पर, और फिर मैं क्लास पढ़ा के आऊँगा, फिर अपन बैठ करके लंच लेंगे, गपशप करेंगे। मैंने कहा तू जा। तो मैं ऐसे ही वहाँ पर वॉक ले रहा हूँ, इतने में एक कार आ करके मेरे पास खड़ी हो गई। उस कार में से एक भारतीय सज्जन बड़ी उम्र के थे, बाहर निकले, मेरे सामने आए, मुझे प्रणाम किया, नमस्कार किया। और तो उनका ऐसा था कि वो रिटायर्ड थे और अपने बेटे के साथ यहाँ रह रहे थे। तो वो जब भी कभी कार लेके निकलते ऐसे घूमने के लिए और कोई इंडियन दिखाई देता था, तो इंडियन तो स्टूडेंट्स ही होते थे और तो कोई होता नहीं था, तो उसके पास आकर के कहते कि आपको कोई राइड चाहिए, आपको मैं लिफ्ट दूँगा, आपको कुछ खरीदने जाना है, ग्रोसरी ले जाना है, कपड़े धोने जाना है, मैं ले जाऊँ आपको, ऐसा करके वो हेल्प करते। तो ऐसे मुझे भी आकर बोले आपको कहीं जाना है कि मैं आपको राइड हूँ। मैंने कहा नहीं सर मुझे जाना नहीं, मैं मित्र की राह देख रहा हूँ, वो जैसे आएगा हम लंच लेकर गपशप करेंगे। तो मुझे कहते तो मेरे यहाँ चाय पीने चलोगे? चलिए चाय पीने चलोगे, बैठ गया लेके आए उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुँचे। वहाँ पर छठे सातवें फ्लोर पर उनका अपार्टमेंट था, और गए तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने ड्राइंग रूम था, जिसे लिविंग रूम कहते हैं, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के सामने किचन था, किचन में उनकी पत्नी थी। तो स्वाभाविक उन्होंने अंदर आते ही कहा कि मित्र आए हैं, दो कप चाय बना दोगी, ऐसा कहा होगा। अब हुआ ये होगा कि सुबह जब ये सज्जन बाहर निकले होंगे उससे पहले दोनों में बहुत जम करके हुई होगी, तो ये तो निकल गए और उनकी बात तो अधूरी रही थी, उनकी तो बात पूरी हुई हुई नहीं थी अभी तो। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने उनकी पत्नी ने वो सूत्र जो छूट गया था वो बोले चली आ रही है, सारी भड़ास की बाहर निकल रही है और मैं वहाँ अक्का वक्का खड़ा देख रहा हूँ, कुछ और ही मामला हो रहा है और कुछ नहीं, बस बोले चली आ रही आधे घंटे। और ये महाराज उनका अग्रवाल नाम था बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे उसको कि माता जी चाय बनाते फिर बाद में अपन निपट लेंगे, ना मुझे कह रहे कि महाराज थोड़ा गड़बड़ मामला बुरा मत मानना, कुछ भी नहीं, बैठे हैं कुछ भी नहीं, रिलैक्स होकर बैठे। जब उसकी सारी भड़ास पूरी हो गई तब अग्रवाल साहब मेरी तरफ देखते हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये अभी तो ये ऐसा ही है, इज़्ज़त यस, अभी तो ये ऐसा ही है, इससे अभी अभी कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा अभी कुछ हो ही नहीं सकता, यही हो सकता है, अभी तो ऐसा ही है। एक दीवार खड़ी है आपके सामने, आप दीवार से सर टकराओ तो आपका सर टूटेगा, दीवार खड़ी रहेगी, दीवार को कुछ नहीं होगा, तो क्या करना है, दीवार को छलांग लगा के चले जाना, दीवार खड़ी रहे हमें छलांग लगा लेना, तो दीवार का एक्सेप्टेंस है कि तू बने रहे मुझे पड़ जाएगी क्या। तो ये जो ये मैं आपको बार बार ये बात कर ऐसे अनेक सूत्रों में अवसर में बात जो हमको बताई है उसका बहुत प्रैक्टिकल उपयोग है जीवन को जीने का, जीने की कला जो है तो आर्ट ऑफ लिविंग शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग की बात तो है, ओशो ने बात की हुई उसकी कि कैसे जिया जाए, कैसे होना, होनापन की बात करते हैं, ऐसा हुआ जाता है वो सूत्र में ये मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस है, अवेयरनेस है, टोटलिटी है, ये सारे चीज़ों का। और उसका सारा हजारों उनके 650 पुस्तकें एक व्यक्ति 65 आदमी मिलकर के एक एक आदमी 10-10 भी लिखे तो 650 हो गई, उसके 65 आदमी चाहिए, यहाँ तो एक ही 650 उसमें साल में क्या इसी साल का विशाल विशाल खुद ने एक भी नहीं लिखी, खुद ने एक भी नहीं लिखी पत्र लिखे कहें पुस्तक और इतना विशाल सागर जो आप लोग ऐसा हुआ। ये अच्छी बात होता है अपने ऐसे पुस्तक मिला था तो एलन सिंघवी हुआ करते थे, वो पहले इंग्लैंड में हमारे चीफ कमिश्नर थे, है ना। तो एक बार मैं इंग्लैंड में था तो मैं उनसे मिलने गया था, हमारा वहाँ पर सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए उनको इनवाइट करना था मुझे, तो मैं उनके ऑफिस में मिल गया इंग्लैंड में। तो मैंने मेरा कार्ड भेजा दिया होगा तो उन्होंने मुझे तो वो उनका आदमी जो बोल गया बहुत बिजी है ये, मैंने कहा कोई बात नहीं कार्ड तो दे दो मैं बैठा रहूँगा, जब फ्री हो जाए बुला लेना।
कार्ड देने को इमीडिएटली उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और देख करके मुझे बोले कि यहाँ पर अखबारों में कहीं भी कोई भी आपको कोई भी परेशान करे तो मेरे पास आना, आई विल टेक केयर ऑफ डोंट बी अफ्रेड ऑफ, ऐसा मुझे बोले ये पहले ये। फिर पुस्तक मेले में एक बार उनका आना हुआ तो मुझे पता चला कि सिंघवी साहब आए हैं तो ही मस्ट बी टेकिंग अ राउंड। तो मैंने कहाँ बोले फलान जगह, मैं सीधा वहाँ गया, मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने पहचान लिया। मैंने कहा सर हमारे स्टॉल पर भी आइए ना आप, जरूर अच्छा लगेगा। हाँ मैं आता हूँ। तो मुझे इस बात को बताना है, वो स्टॉल पर आए ना वहाँ खड़े हो गए बदर सर, कहते हैं किसी आदमी की छाती में इतना बड़ा सागर लहरा रहा होगा उसको कल्पना भी नहीं कर सकता, ये उनके वजह से है। किसी की छाती में इतना बड़ा सागर लहरा रहा होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा बोला सागर की बात नहीं आता है। जिस दिन भगवान ने शरीर छोड़ा उस दिन की कोई आपकी स्मृति? बहुत अच्छा किया आपने याद आपको बता दिया। ऐसा था कि जहाँ तक मुझे पता है जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ कि उस दिन उन्होंने जब उन्होंने उनका तय था कि कब शरीर छोड़ना है, इट वाज ऑल प्लान्ड बाय हिम। उन्होंने सबसे पहले शावर लिया, खुद शावर लेकर के रोब पहना, रोब पहना उन्होंने सॉक्स पहने और वो लेट गए और जैसे किसी कहा कि कैप तुम पहना देना मेरे साथ पर और लेट गए। तो पगड़ी तो आया, उसने उनके नब्ज देखी तो वो कहता है सो दिस इज इट भगवान, मुझे कहते हैं यस और चले गए। ये 5 बजे की बात है तो हमको पता शाम को वाइट रोग होना था, सब लोग आने शुरू हो गए थे दौर में। तो हमको जयेश ने बुलाया और हमको ये न्यूज़ दी, हमारा जो इनर सर्कल था उसको उसको ये न्यूज़ दी कि ऐसा है और तुम वहाँ खड़े रहो ताकि कहीं कुछ किसी को हेल्प की जरूरत कर सको। तो कहने का आशय ये है कि वहाँ पर ओशो का जो इंस्ट्रक्शन था कि उन्हें अच्छा उन्होंने कहा था कि 4 लोग उनके शरीर को कंधा देंगे, एक तो जयेश का नाम था अमृतो, एक मेरा नाम था और एक देवगीत करके प्रेडेंटिस्ट था, हम 4 लोग थे, उन्हीं को करना है और कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को बुद्ध हॉल में ले आना, वहाँ 10 मिनट खाली रखना और सीधा बरगट पर बर्निंग घाट पर ले जाना। तो वहाँ पर लेके आए और 10 मिनट रखा और क्या देखेंगे मुझे तो पता चलेगा। और जब अब वहाँ से एक्चुअली जो जगह है वहाँ से 15 या 20 मिनट का वॉक है अगर आश्रम से देखो, हमको करीब 1.25 घंटा लगा क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि वो कंट्रोल में रख सकते। मुझे बताना ये है कि वहाँ ले गए और मैं लगभग पता है सर करीब 2-2.5 बजे लौटा हूँ और मेरे मन में एक पहला ख्याल ये है कि 2-2.5 तो ठीक है और सुबह फिर नाश्ता, इतने सारे लोग हजारों लोग आए तो नाश्ता कौन बनाएगा, हर आदमी अपने स्पेस में कौन जाएगा किचन में, कौन करेगा कौन सारा, बस ऐसा थॉट ही आया था। लेकिन साहब 6 बजे डायनेमिक शुरू हो गया, 7 बजे पूरा नाश्ता तैयार था सर और इतना सन्नाटा था, इट वॉज सो साइलेंट, कोई हड़बड़ नहीं, गलचल नहीं, रोना धोना कुछ नहीं, एकदम गहरा सन्नाटा था, डीप साइलेंस, अभी भी मैं फील कर सकता हूँ साइलेंस को। और ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, डायनेमिक शुरू हो गया, नाश्ता शुरू हो गया, जो भी ऑफिस के काम हुआ सब जैसा था। मैं विजिटिंग सेंटर में गया, गेस्ट लोग आ रहे हैं, रिपोर्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ बात करनी, ये सब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर भीतर इतना गहरा सन्नाटा। और उसने कहा भी कि जब सब लोग शरीर छोड़ते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा की ऐसी लहर आ जाती है जो आपको स्वीप सी, वो अनुभव
उसके बाद के अनुभव भगवान ने शरीर छोड़ा तो आपको कैसा, मतलब अब शरीर में उनको देखा था, अब वो शरीर में नहीं है, तो आपको उनके जाने, शरीर से जाने के बाद कुछ ऐसी स्मृतियां? अगर आप मेरी बात पर यकीन मान सके तो मुझे जैसे कि वो अलग हो गए मुझसे ऐसा तो कभी भाव हुआ ही नहीं। As if he is not with me or he is separate from me, ऐसा तो भाव हो ही नहीं कभी। उनकी उपस्थिति का जो बोध है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे अंदर रहता है। और मजे की बात यह है कितनी भी कैसे भी सिचुएशन हो सर, मैं बार बार कहूँगा वो ऐसा संभाल लेते हैं उसको कि मैं क्या बोलूँ, वही संभाल सकते हैं। और तो मुझे आश्चर्य हुआ कैसे, कैसे हो सकता, होने वाला ही नहीं हुआ कैसे हो गया। मैं खाली इम्प्रेस करने के नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे उनका कुछ मेरे को अलगाव हो गया है, कोई अटाट गया, ऐसा उनके उपस्थिति की इतनी भावना सतत बनी रहती है मेरे पास 24 घंटे बने, और भीतर से बातचीत भी चलती रहती है कभी कभी, अंदर से कभी होता है बता देता हूँ महाराज तो संभाल लीजिए संभाल। He never fails. He never fails. और उनका तो वचन है, लीव एवरीथिंग टू, जस्ट लीव एवरीथिंग, सब मुझ पर छोड़ दो, फिक्र ही मत। ये उनके वचन कितनी बार उन्होंने चुके हैं, जस्ट लीव एवरीथिंग टू, अरे ऐसे ही। और मन तो मन है, मूड मन है, कुछ कई बार नहीं भी छोड़ सकते, नहीं मुझे करना पड़ेगा, कोई नहीं सोचता है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, ही इज डूइंग इन दिस वे। तुम्हें थोड़ा श्रद्धा तो रखो, थोड़ा थोड़ा धीरज रखो, हो जाएगा जो होना है, जब होना तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। ये करते करते सीखते सीखते मेरे मैं कर पाया, पर शुरू शुरू में तो मन बार बार आता था कि नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ऐसा मुझे खाली बताने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कोलैबोरेट होता है। कुछ सन्यासी के साथ बातचीत चल रही होगी ऐसा मुझे बताया गया ओशो की, तब उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वेदांत इज विथ मी, ही हैज बीन विथ मी इवन बिफोर। अच्छा हाँ ऐसा बोले हैं। तो उस प्रकार का फ्लैशेज में आए हैं, उनके साथ मेरा रहना हुआ है। पर इस बार की जो जिस तरह से मैं उनके पास आया वो एक बहुत ही, जैसे मैंने सारा वर्णन किया आपको, वो बहुत ही आज समझने में मुश्किल, क्योंकि जिस हालत में, जिस सिचुएशंस में, जैसे कि ऐसा वहाँ से उठा करके वो ले आता है, ऐसे ले आया गया, गुजरना पड़ा था उसमें से, लेकिन जैसे कि वहाँ से ले आया गया। हाँ नहीं बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे बताया गया है कि उन्होंने किसी को कहा है, किसी को कहा था कि वेदांत हैज बीन विद मी इवन बिफोर, और इसका कोलैबोरेशन ऐसा हुआ एक बार, वो हम उसको न माने तो न माने, लेकिन जैसे मेरा बॉडी है, अगर मैं कहीं भी मैं अगर प्रेस करूँ ना मद्रास कहीं भी, मुझे हर्ट होता है, दुखता है वहाँ पर, हालांकि कुछ है नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं। तो एक बार वहाँ पूना में मैं किसी वेस्टर्नर से बातचीत कर रहा था, तो कहता है तू तेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देख लेना कि कुछ हुआ होगा, कुछ कुछ कारण होगा। तो मैंने कहा छोड़ो ना, पास्ट लाइफ इस लाइफ का ठिकाना नहीं, तो करने अर्जा कह जैसे प्ले का ठीक है। एक जर्मन माँ थी, वो उसमें बड़ी मानी हुई थी उसको, तो उसको तो उसने कहा ओके वेदांत यू विल डू इट, तो उसने एक कमरे में ले गई और वो ट्रांस में चली गई, और मुझे आँख खोल के कहती है, और ये कोलैबोरेट हो रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन द लास्ट कम्यून, वन ऑफ द कम्यून्स दैट यू आर विद हिम,
हिज ओपोनेंट्स विरोधी उसको उनको हर्ट करने के लिए आए थे और तुम उनके बीच में आ गए उनको प्रोटेक्ट करने, तुम्हारी इतनी पिटाई हुई, यू आर बीटन सो बैडली दैट पेन इज स्टिल कैरिंग इन योर सिस्टम, वो पेन अभी भी तेरा चल रहा है इतनी देरी वहाँ पर बैठे, क्योंकि तुमने वहाँ उस समय तो उनके साथ था, ऐसा कुछ वो नहीं भी हो सकता है कि समय भी हुआ हुआ, पर उनकी ओर से ये वचन तो है कि वेदांत हैज बीन बिफोर, तो उनके साथ का मैं बताना ही चाह रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट था अब याद आया कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं आप सारे माता पिता हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर ये सब एक्सीडेंटल होते हैं सर, एक्सीडेंटल, आप जा रहे हैं कोई यहाँ मिल गया एक रिलेशन हो गया, लेकिन गुरु और शिष्य का जो होता है ना वो एक्सीडेंट नहीं होता, उसकी कंटिन्यूटी होती है। अच्छा हाँ, जो ये गुरु पहले भी गुरु रहे होंगे तभी आज हमको मिले हैं, वो धारा अक्षुण्ण रहती है, अनइंटरप्टेड होती है, गुरु और शिष्य की धारा अनइंटरप्टेड होती है, वो एक्सीडेंट नहीं होते, शरीर उनका अलग होगा लेकिन ऊर्जा के फॉर्म में वही गुरु आकर के तुमको फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये तो ये मुझे पता नहीं करता कि ये अगर मैं मेरी उदाहरण तो रहे ही होंगे मेरे गुरु, तभी आज मैं उनके पास शिष्य बन के आया, आप रहे ही होंगे गुरु तभी आप उनके साथ, गुरु शिष्य का रिलेशन इसे उसको सिलसिला कहते हैं, प्रीडेस्टिन सिलसिला कहते हैं, एक सिलसिला बना रहता है, बाकी हमारे रिलेशन एक्सीडेंट हो, कुछ जरूरी कि माँ हमारी पहले नहीं होंगी ये पिता नहीं होंगे, लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं कोई होता। Thank you so much. Thank you so much.